तो ईश्वर के बैठने में संदेह हो रहा है कि ईश्वर है कि नहीं। और अर्जुन कृष्ण से पूछता है कि ईश्वर कहाँ है, और लोग कहते हैं कि कृष्ण ही ईश्वर है, भगवान है। और अर्जुन कृष्ण से पूछता है ईश्वर कहाँ है, और कृष्ण कहते हैं ईश्वर सबके हृदय में बैठा है। तो हृदय में बैठा है तो ये कृष्ण कौन है, ये कृष्ण कौन है, फिर ये ईश्वर नहीं है क्या, ये भगवान नहीं है क्या, और ये ईश्वर भगवान है तो ये क्यों नहीं कहते कि मैं ही ईश्वर हूं, आई एम गॉड, मैं भगवान हूं, तो ये बात भी नहीं कहते हैं। वो कहते हैं कि सबके हृदय में है, तो सबके हृदय में है तो तुम बाहर कौन हो, फिर ये ब्रह्मा विष्णु महेश कौन है, फिर ये राम लक्ष्मण भरत कौन है, फिर हिंदू धर्म में तो 33 करोड़ देवता है, 131 करोड़ आबादी है भारत देश की और 33 करोड़ देवता है, चार चार आदमी पर एक एक देवता लगा हुआ है, और फिर भी आदमी गलत काम कर लेता है और देवता कंट्रोल नहीं कर पाते। इतनी लंबी मिलिट्री है देवी देवताओं की, और मैं सोचता हूँ ये 131 करोड़ लोग इतने बड़े हिंदुस्तान में रहते हैं, तो 33 करोड़ देवी देवता लोग ये कितने बड़े स्थान में रहते होंगे, इनके लिए तो बहुत महल मकान बने होंगे। तो लोग कहते हैं ये सूक्ष्म रूप में रहते हैं, और सूक्ष्म रूप क्या होता है, चलो इस विषय में ज्यादा गहराई में मैं जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन इतना जरूर आज बता देना चाहता हूँ, वास्तव में ईश्वर कहाँ रहता है, भगवान कहाँ रहता है, और आपके अंदर रहता है कि बाहर रहता है, और रहता है कि नहीं रहता है, और रहता है तो कहाँ रहता है, और रहता है तो क्या करता है, आज ये बात आपके बीच में कह देना चाहता हूँ। सीधे बैठ जाओ। नीति शास्त्र में लिखा है, पुष्पे गंधस तिले तैलम काष्ठे बहिन्युपयोगर्तम इच्छो गुणम तथा देहे पश्चात मनम विवेकता। जैसे फूल के अंदर गंध होती है, गंध क्या आंखों से दिखाई देती है, नहीं, लेकिन होती है कि नहीं, होती है, पर दिखाई देती है कि नहीं, दिखाई नहीं देती है, दिखाई नहीं देती है तो क्या होती नहीं है, होती है। कैसे पता चलता है, नाक से सूंघने से। तिले तैलम, तिल में तेल होता है, लेकिन तिल को छुओ तो तेल अंगुली में लगता नहीं, तो क्या तिल में तेल नहीं है, तेल है, लेकिन उसको स्पेलर में पेरो तो तेल निकलता है, स्पेलर में पेरना पड़ेगा। ऐसे ही तुम्हारे अंदर भगवान है, लेकिन तुमको स्पेलर में पेरना पड़ेगा, साधना का स्पेलर चलेगा, तब जैसे स्पेलर में तेल, तेल का तेल निकलता है, तो ऐसे ही आपके भीतर भगवान का पता आपको चल जाएगा। साधना का स्पेलर आपको चाहिए। स्पेलर चलाने वाला भी कोई सदगुरु चाहिए, वो तुमको डाल के साधना में पेर दे जोर से, तो तेल निकल आए, भगवान का पता चल जाए। काष्ठे बहिन्नों, लकड़ी में आग होती है तो लकड़ी छूने से हाथ जलता क्यों नहीं, क्या आग नहीं है, और यदि आग नहीं है तो लकड़ी और लकड़ी जंगल पर रगड़ती है, आग कैसे पैदा होती है। जंगल में जंगल के पेड़ों की एक डाल दूसरी डाल पर रगड़ती है, रगड़ते रगड़ते घर्षण से उसमें आग पैदा हो जाती है, तो आग थी नहीं उसमें तो पैदा कैसे हुई, और पैदा हुई है इसका मतलब आग थी उसमें, अब आग थी और आग है लकड़ी में, तो लकड़ी को छूने से हाथ जलते क्यों नहीं, और हाथ जलते नहीं तो इसका मतलब आग है नहीं, और है नहीं तो आपस में लकड़ी रगड़ने से आग पैदा कैसे हुई, जंगल जला कैसे, तो रगड़ने से पैदा हुई। ऐसे तुमको भी रगड़ना पड़ेगा, तो तुम्हें भक्ति के मार्ग में साधना के पथ पर रगड़ रगड़ कर चलना पड़ेगा, तब तुम्हारे अंदर भी ज्ञान की आग पैदा हो जाएगी। पयोघृतम,
दूध में घी होता है, लेकिन दूध को देखो तो आंखों से दिखता नहीं, और हाथ से उस घी को निकालो तो निकलता नहीं, और दूध घी दूध में क्या घी होता नहीं, और होता नहीं है तो मथानी से मथने पर निकलता कैसे है, और मथानी से मथने से निकलता है तो आंख से देखने से दिखता क्यों नहीं, और हाथ से छूने से आता क्यों नहीं, हाथ से छूने से आता नहीं है, आंखों से दिखता नहीं है, लेकिन जब मथानी से मथोगे दूध को तो मक्खन घी निकलकर बाहर आ जाता है, फिर हाथ से भी उठा सकते हो, आंख से भी देख सकते हो। ऐसे तुम्हारी जिंदगी में भी विवेक की मथानी चलानी पड़ेगी, तब ये आपके अंदर विवेक की मथानी जब चलेगी तो आत्म ज्ञान का घी निकल कर आएगा। बोलिए संत गुरुदेव की, बोलिए संत असंग साहब की। पुष्प गंधस्तले तैलम काष्टे बहिनी पयोघर्तम इच्छो गुणम देहे पश्चात मानम विवेकता। इच्छो माने होता है गुड़, गुड़ बनाने वाला गन्ना। इच्छु, इच्छु माने इच्छु भिच्छु, भिच्छु माने भीख मांगने वाला, इच्छु माने गन्ना गुड़ बनाने वाला। तो क्या गन्ने में गुड़ होता है? होता है। तो गन्ना देखो उसमें गुड़ की भेली दिखती क्यों नहीं? अगर गन्ने में गुड़ है नहीं तो गन्ना को कोल्हों में पेर कर रस को गर्म करके गुड़ बनता कैसे? अगर उसमें गुड़ होता नहीं तो गुड़ बनता कैसे? और गुड़ बनता है तो गुड़ दिखता क्यों नहीं? गुड़ दिखेगा नहीं, क्यों नहीं दिखेगा? वो एक उसकी क्रिया करनी पड़ेगी। गन्ने को कोल्हों में पेरो, फिर रस निकालो, रस को खौलाइए, गर्म कीजिए, और खौलाते जाइए, खौलाते जाइए, और उसको चलाते जाइए, दोहरा से चलाते जाइए, और फिर वो गुड़ बनकर उसमें से निकल कर बाहर आ जाएगी। याद रखना भाइयों बहनों, आपको भी साधना के कोल्हों में पहले पेरा जाएगा, फिर प्रेम और शांति का रस निकला जाएगा, फिर ज्ञान की अग्नि में आपको खूब धधकाया जाएगा, खौलाया जाएगा, तब धीरे धीरे जो है आत्म शांति की गुड़ बन जाएगी और फिर तुम्हें आनंद आ जाएगा। पुष्पे गंधस तिले तैलम काष्ठे बहिनी पयो घृतम इच्छो गुणम तथा देहे पश्चात मानम विवेकता। नीतिकार कहता है कि विवेक की आंखों से ही समझा जा सकता है। बुद्धि और विवेक में क्या फर्क होता है? बुद्धि ऐसे है जैसे बिना सेल की टार्च, और विवेक ऐसे है जैसे जलती हुई टार्च। बुद्धि ऐसे है जैसे बिना तेल बत्ती का दीपक, और विवेक ऐसे है जैसे तेल पड़ा हुआ जलता हुआ दीपक। तो आपका विवेक जगना चाहिए। बुद्धि तो है आपके पास, बुद्धि तो रावण के पास भी थी, लेकिन विवेक नहीं था। क्यों? क्यों? क्योंकि रावण के पास सत्संग नहीं था, और बुद्धि राम के पास भी थी, लेकिन राम के पास विवेक था, बुद्धि में विवेक। कैसे विवेक था? सत्संग से विवेक राम को मिला था। बिनु सत्संग विवेक न होई। गाइए। सत्संग विवेक होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कौन सा राम? तुम्हारे भीतर बैठा है आत्मा राम। जब तक इस आत्मा राम की कृपा नहीं होगी तब तक तुम सत्संग में नहीं जाओगे, और जब तक सत्संग में नहीं जाओगे तब तक तुमको विवेक नहीं होगा, और जब तक विवेक नहीं होगा तब तक जीवन में सुख शांति भी नहीं होगी। इसलिए विवेक जगाइए और सत्संग में जाइए। अपनी आत्मा से बोलो कि सत्संग में चलो। राजस्थान में एक भजन गाते हैं, आज के 25 साल पहले मैंने सुना था, फिर उस गांव में गया भी नहीं दोबारा। मैं कितने गांव में 20-20 साल हो गए, हम दोबारा गए ही नहीं।
तुम ये मत सोचना कि तुम्हारे नियामतपुर चक महमूद में भी 20 साल बाद ही अब आएंगे हम। तब तक तो इसमें आधे लोग परलोक चले जाएंगे। 20 साल बाद नहीं, बस 2018 में आया हूँ मैं, 2021 में फिर आ जाऊँगा। 19-20 तीन साल गैप करके आ जाऊँगा, 3 साल बाद फिर यहीं हाजिर हो जाऊँगा। तुम बुलाओगे तो आ जाऊँगा, और नहीं बुलाऊँगा तो चुपके से रोड से निकल जाऊँगा, गांव में होकर निकल जाऊँगा। मेन रोड पर गांव है आपका। बिन विवेक कोई ना सुखी, बिना किए संतोष, सबको देखो हाल यह, पढ़े अपढ़ मन को, अंग्रेजी जानई भले संस्कृत परवीन, भोग पदार्थ ज्ञान तजी और ज्ञान का की, सो जानत पशुओ सबे अपढ़ रटे तिन नाम, अक्षर को अभिमानत ही शुभ गुण छोड़ी बेकाम, बिनु सतसंग विवेक न हो। जिस स्त्री के पास में बुद्धि है तो गाली दे सकती है, झगड़ा कर सकती है, पति को भी एक मुक्का मार सकती है, सासू को ढकेल सकती है, ननद की टांग खींच सकती है, और भाभी को भड़भूजा बना सकती है, पड़ोसियों के यहां बैठ करके गप्पा मार सकती है। लेकिन जिस स्त्री की बुद्धि में विवेक पैदा हो गया, वो किसी को कभी गाली नहीं दे सकती है, न सासू को आंख दिखा सकती है, न पति को धक्का मार सकती है, न अपनी ननद को सताती है, न भाभी को दुख देती है, वो सबको सुख पहुंचाती है। वो नारी नारी नहीं है, वो नारायणी होती है, और वो सबके परिवार का कल्याण करती है। विवेक जगना चाहती। यदि तुम्हारे मुंह से गालियां निकल रही हैं तो समझ लेना तुम्हारा विवेक कभी जागृत नहीं हुआ है। तुम्हारी बुद्धि तो है पर विवेक नहीं है। यदि तुम किसी का सामान चोरी करते हो तो तुम्हारे पास में समझो कि बुद्धि तो है लेकिन विवेक नहीं है। और यदि तुम अपना सामान भी दान करना शुरू कर देते हो तो समझ लेना कि बुद्धि भी है और विवेक भी है, कि यहाँ का दान परलोक में कल्याण का काम करता है। आज जो दान करोगे आगे वो आपको मिलेगा। बोलिए सद्गुरुदेव की। बिनु सतसंग विवेक न होई। जिसका विवेक जग गया वो आलस्य भी नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है आलस्य यदि करूंगा तो मेरे घर में गरीबी आ जाएगी। आलस्य करूंगा तो बच्चों को क्या खिलाऊंगा, आलस्य करूंगा तो वाइफ को कपड़े कहां से पहनाऊंगा, आलस्य करूंगा तो धन नहीं रह जाएगा तो मकान कैसे बनाऊंगा, आलस्य करूंगा तो गाड़ी कैसे लाऊंगा, आलस्य करूंगा तो गुरु जी को कैसे बुलाऊंगा, आलस्य करूंगा तो मंडप कैसे लगेगा, इसलिए आलस्य नहीं करूंगा। जिसका विवेक जग जाता है उसका आलस्य भग जाता है और पुरुषार्थ शुरू हो जाता है। और जिसके पास केवल बुद्धि है वो काम चोर निकम्मा बनकर पड़ा रहता है। काम ना करना मुर्दे की पहचान है, काम ना करना मुर्दे की पहचान है, और काम में लगे रहना ये जिंदा की पहचान है, और दूसरों से भी काम लेते रहना ये बुद्धिमान की पहचान है, विवेकवान की पहचान है। काम करना भी चाहिए, दूसरों से काम लेना भी चाहिए। घर में किसी को बैठने मत दो, सबको जुटाओ। सासू बूढ़ी है तो बर्तन धोया करे, बहू जवान है तो किचन में फटाफट नाश्ता बनाया करे, और बेटा खाली है तो घर का सामान सेट किया करे, और पति जी फुर्सत में है तो याद रखना कमरे में सारी सेटिंग जमा दिया करे, और यदि पत्नी खाली है तो गाड़ी भी साफ कर दिया करे, मिलजुल कर काम कर लिया करो। चींटियों से सीखो, कोई चींटी अपने को न बड़ी मानती न छोटी मानती न मंझली मानती है, सब चींटियां एक साथ काम में जुट जाती हैं, इसलिए चींटियों को सदैव सफलता मिलती है।
मधुमक्खियां भी कोई अपने को बड़ी छोटी और ये वो नहीं मानती है, सब काम में चुट जाती है। तो मधुमक्खियों के सामने हाथी भी घबराता है। जिस घर के लोग सभी मेहनत करते हैं, सभी काम करते हैं, उनकी ताकत के सामने हाथी भी नहीं टिक सकता है। इसलिए मेहनत करना हमारा परम धर्म है। बिनु सतसंग विवेक न होई, बिनु सतसंग विवेक न होई। विवेकवान कभी अहंकार नहीं करता है, बुद्धिमान अभिमान करता है। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी अकड़ दिखाता है कि आई एम इंटेलिजेंस माइंड। विवेकवान कहता है मैं साधारण हूं, आप महान हो। और मनुष्य की बुद्धि का अभिमान कहता है कि तुम साधारण हो, मैं महान हूं। अभिमान खुद को महान बताता है और विवेकवान दूसरों को महान बताता है, खुद को साधारण बताता है। बुद्धिमान व्यक्ति व्यभिचार कर सकता है, विवेकवान कभी व्यभिचार नहीं करता है। विवेकवान विचार करता है, व्यभिचार नहीं करता है, विचार करता है। और विवेकवान ये भी सोचता है यदि मैं व्यभिचार करूँगा तो मेरे बेटे मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरी वाइफ को कितना दुख होगा कि शादी इसके साथ किया, व्यभिचार दूसरी औरत से कर रहे। यदि मैं व्यभिचार करूंगा तो मेरे माँ पिता पर क्या बीतेगी, मैं व्यभिचार करूंगा तो मेरे भाई लोग मुझसे क्या सीखेंगे, मैं व्यभिचार करूंगा तो मेरी वाइफ अगर वो भी व्यभिचार में लग गई तो पूरा घर नरक हो जाएगा। ऐसा वो विवेक करता है और विवेक करके ये भी सोचता है कि राम के पास में सुपर्णखा लंका से आई थी, फिर भी उन्होंने इनकार कर दिया था, तो मैं भी दूसरे की नारी को इनकार करूंगा, दूसरे पुरुष को इनकार करूंगा और व्यभिचार नहीं करूंगा, विचार करूंगा और धर्म का प्रचार करूंगा। विवेकवान कभी फिसलता नहीं है। आचार्य उपनयन मानो ब्रह्मचारिणम कृणुते गर्भमंता। ध्यान रखना, जैसे माँ बच्चे को जन्म देने के लिए 9 महीने अपने गर्भ में रख लेती है, ऐसे सदगुरु शिष्य को विवेक देने के लिए, ब्रह्मचर्य की साधना सिखाने के लिए अपनी शरण में रख लेता है और शिष्य को विवेकवान वैराग्यवान बना देता है। माँ महान है जो 9 महीने बाद तुमको जन्म दे देती है। तुम भी महान हो जो आज इस नियामतपुर चक महमूद की धरती पर इतने बड़े सत्संग समागम की आपने रचना किया है। पत्रकार मंडल भी महान है जो कैमरा हाथ में लेकर आंख मूंद के दौड़ते हैं, हाथ में डायरी, हाथ में घड़ी, हाथ में कैमरा, हाथ में कड़ा, हाथ में धागा और साथ में गुरु का प्रेम, मस्तक में तिलक और दौड़े दौड़े आते हैं, झुके झुके जाते हैं, पत्रकार कहलाते हैं, ताली नहीं बजाते हैं, ताली बजा दो। जिस मनुष्य का विवेक जागृत हो जाता है वो हर हाल में सुखी रहता है, उसके मन में कोई दुख नहीं रहता है, अपने आप को समझा लेता है। विवेक खुद को समझाता है और बुद्धि दूसरों को ज्यादा समझाती है। विवेक खुद को डांटता है और बुद्धि खुद को कभी नहीं डांटती है, दूसरों से गुस्सा करती है। खुद को भी समझाया करो, अपने से प्रश्न पूछा करो, क्या मैं जैसा बोल रहा हूं ये उचित है, क्या मैं दूसरों से जैसी बातें करता हूं ऐसी बातें हमसे कोई करे तो क्या हमें अच्छा लगेगा, क्या मैं दारू पीता हूं ये उचित है, क्या मेरा बेटा भी दारू पिए तो क्या मुझे अच्छा लगेगा, क्या मेरा बाप भी दारू पिए अच्छा लगेगा, क्या मेरी वाइफ भी दारू पिए तो अच्छा लगेगा मुझे, कैसा लगेगा,
उनको तो मुझको बुरा लगेगा, तो मैं दारू पीता हूँ तो उनको कितना दुख लगता होगा। विवेक हमेशा निष्पक्ष तराजू पर अपने को सबको तौलता है, इसलिए विवेक कभी गलती नहीं करता है, और बुद्धि हमेशा पक्षपाती तराजू पर तौलती है, इसलिए हमेशा वो कुतर्क करके गलती करती रहती है। जो केवल बुद्धि से काम लेते हैं वे लोग बड़े लड़ाकू होते, कुकर्मी होते, खुद गलत काम करेंगे और कुतर्क करके तुमसे लड़ने को आमादा हो जाएंगे। और जो विवेक से काम करता है वह व्यक्ति खुद के ऊपर ग्लानी करता है कि वास्तव मेरी गलती है। दुनिया में गलती करने वाले तो बहुत मिलेंगे आपको, लेकिन गलती को मंजूर करने वाले बहुत कम मिलेंगे। गलती करने वालों की संख्या ज्यादा है, मंजूर करने वालों की संख्या कम है। भूल हो जाए ये मनुष्य का स्वभाव है, मानव का स्वभाव भूल होना, और भूल को कबूल कर ले ये महामानव का लक्षण है। और जो भूल दूसरे से हो अपने ऊपर ले ले तो ये संत हृदय का लक्षण है, और जिससे भूल कभी ना हो वो भगवंत हृदय का लक्षण है, भगवंत हृदय का लक्षण है। हजार फूल कम है गला को सजाने के लिए, एक भूल काफी है जिंदगी भर रुलाने के लिए, जिंदगी भर रुलाने के लिए। कितनी बड़ी नाव हो और कितनी अच्छी नाव हो, पर एक छेंद काफी है नाव को डुबाने के लिए, एक छेंद काफी है नाव को डुबाने के लिए। और कितने अच्छे पति पत्नी हो, कितना अच्छा मकान हो, गाड़ी अच्छी हो, लाड़ी अच्छी हो, लेकिन एक बुराई काफी है पति पत्नी को दुख देने के लिए, पति पत्नी को दुख देने के लिए। कबीर साहब ने एक बहुत बड़ी बात कही है, कबीर हम सब ते बुरे हम ते भल सब को, जिन्हें ऐसा कर जानिया मीत हमारा सो। कबीर साहब कहते हैं कि मैं सबसे बुरा हूं, मेरे से भला पूरा संसार है, और जो अपनी बुराई को जान ले वो मेरा मित्र है, मेरा दोस्त है।